सब्सक्राइब कीजिए एसके ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाटा एग्जामिनेशंस में ड्राइंग के पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, ड्राइंग पेपर जो होता है ये टोटल 80 मार्क्स का एग्जामिनेशंस होता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और दोनों को सॉल्व करना होता है। 1 क्वेश्चन जो होता है वो होता है 50 या फिर 55 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है वो होता है 25 या फिर 30 मार्क्स का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा, सपोज यू आर सिट ऑन इन एनी टाइप्स ऑफ गार्डन, आप कोई भी गार्डन में बैठे हुए हैं और आपके सामने में जो है टी स्टॉल है और आप देख रहे हैं कि कोई आदमी है वो डॉग को टहला रहा है, वॉक कर रहा है वो डॉग को लेकर के, तो आप किस टाइप्स का व्यू को देख रहे हैं, इस टाइप के व्यू को ड्रॉ कीजिए इमेजिंग करके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रहता है वो रहता है डिजाइन ए लोगो ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी का आपको नाम दिया हुआ रहेगा उसका लोगो बनाना रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको दे दिया कि ये बजाज कंपनी का आपको लोगो बनाना है, या फिर कोई भी और कंपनी का दे दिया जाएगा उसका लोगो बनाने का रहेगा, तो इसमें 25 मार्क्स रहता है या फिर 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। या फिर लोगो यदि नहीं पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी गेट बनाइए और कोई सिंबल दिया हुआ रहेगा, जैसे कि सर्किल दिया हुआ रहेगा, ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, और भी डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिए हुए रहेंगे फिगर, और उसका यूज करके आपको कोई फिगर बनाने के लिए कहा जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोगो डिजाइनिंग के बारे में, हम लोग लोगो को कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और मैं जो अभी लोगो डिजाइनिंग वाला वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में जो देखेंगे आगे, तो बहुत ही स्लो मैंने बनाया है लोगो को। ये लोगो जो है जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, अभी ये क्वेश्चंस मुझे मिला है बहुत ही प्रीवियस ईयर का है, बहुत पुराना क्वेश्चंस है, इस वजह से ईयर में नहीं बता सकता हूँ किस ईयर का है क्वेश्चंस। बाय द वे ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो इसका सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए आप लोग, तो बस रखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।